Namaste Team Fitstar, I welcome you back once again. Today we are going to do the third day of week 8 workout. So let's get started. So आज का workout of the day हम करेंगे two parts में. So beginning में हम लोग करेंगे 50 repetitions of full Surya Namaskar in as few sets as possible. It means हम लोग start करेंगे 50 Surya Namaskar without any more gap. हम लोग जितना repetitions कर पाएंगे उतना हम continuously करेंगे till 50 repetitions ख़त्म नहीं हो जाता. फिर जैसे हमारे 50 full Surya Namaskar ख़त्म हो गए उसके बाद हमको करना है 100 burpees step up on the bench, right? So it's total of 100 repetition in as fast as you can and with a weighted bag or without the weighted bag. So these two are the workout for today. Now I'll show you how you'll do it. जैसे आप अपना 50 फुल सूर्य नमस्कार कंप्लीट कर ले उसके बाद का पार्ट टू वर्कआउट है बर्पी बॉक्स स्टेप अप या बर्पी बॉक्स जंप्स, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करें. तो मेक श्योर कि आपका घर पे जो चेयर है उसका आप यूज करें, या तो फिर कोई भी आपका जो नी हाइट तक कुछ बॉक्स या कुछ बेंच रहेगा आप उसका भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो बर्पी बॉक्स स्टेप अप करने के लिए आपको पहले एक फ्लोर पे बर्पी लगाना पड़ेगा. तो हैंड ऑन द फ्लोर, लेग्स बैक एंड देन लाई डाउन, चेस्ट टच करें फ्लोर पे एंड देन खड़े हो जाए, वापस से स्टेप फॉरवर्ड करें. फिर जैसे आप खड़े हो गए वैसे बेंच पे एक पैर रखें एंड देन ऑल द वे खड़े हो जाए. मेक श्योर के आप नीज बेंड मत करें, पूरा स्ट्रेट खड़े हो जाए, राइट? तो यहाँ से वापस स्टेप डाउन करिए एंड फिर वापस आप एक बर्पी लगाइए फ्लोर पे, चेस्ट टच करिए, लेग स्ट्रेट करके आप ऑल्टरनेट लेग से चढ़ जाइए. तो ये एक तरीका है. दूसरा तरीका, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट मोर फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, वॉट यू कैन डू इज अगेन आप फ्लोर पे जाइए, हैंड्स ऑन द फ्लोर एंड देन जंप बैक करना है दिस टाइम, राइट? चेस्ट टच किया फ्लोर पे, पुशअप्स मार के खड़े हो गए, वापस जंप फॉरवर्ड किया. जैसे आपने जंप फॉरवर्ड किया अब आप बेंच के ऊपर भी आपको जंप लगाना है. सो नीज बेंड एंड एक्सप्लोसिव जंप एंड स्लोली लैंड एंड देन गेट अप स्ट्रेट, राइट? वापस आप जंप डाउन करिए फ्रॉम हियर. एक आपने बर्पी लगाया, चेस्ट टच किया, पुशअप्स मार खड़े हो गए एंड आप जंप करिए, स्लोली खड़े हो जाए, राइट? सो ये मेरे घर का चेयर है, ऑब्वियसली इसको तोड़ना नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हमारे लेग्स का एक्सप्लोसिव पावर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे सो दैट हम जब इसके ऊपर जंप करें तो एकदम एग्रेसिवली नहीं लैंड करें बल्कि एकदम सॉफ्टली लैंड करें. अब उससे क्या हो जाएगा, एक तो हमारा चेयर और बॉक्स जो भी है वो बच जाएगा, दूसरा कि हम लेग्स का एक्सप्लोसिव पावर ड्रिल कर रहे हैं और स्मूथली लैंड करने से हमारे लेग्स का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बने, राइट? तो ये है सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, इफ यू वॉन्ट टू मेक दिस 100 बर्पी स्टेप अप मोर चैलेंजिंग, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ बैकपैक एट योर होम, राइट? सो ये मेरा वेटेड बैकपैक है. अभी ये आपको मैं दिखाऊंगा थर्ड ऑप्शन. सो इसको आपने पहन लिया, इफ यू वॉन्ट टू मेक इट मोर चैलेंजिंग व्हाट यू कैन डू इज वेयर दिस बैकपैक, टू पुश इट डाउन अगेन फ्रॉम योर गेट अप. जैसे आपने ऊपर खड़े हुए तो आप स्टेप अप करें एंड वापस से नीचे आ जाए, क्योंकि ये वेट बैग हैवी रहने वाला है. सो आप अगर इसमें स्टेप अप भी करेंगे तो भी इट विल बिकम मोर चैलेंजिंग फॉर यू टू वर्कआउट, राइट? बिकॉज सिंस आपको 100 रिपीटेशन कंप्लीट करना है एज फास्ट एज यू कैन, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो भी लेवल है अकॉर्डिंग टू दैट
put your best feet forward and choose your options from this three options that I have shown you below, right? So all the best for today's workout and kill it.